माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीष सर। हम क्लास 10 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन देखने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 8.5 8/5, y डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1.2 एंड 2.3, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। यहाँ ये क्वेश्चन है वो सीबीएसई 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको गिवन पॉइंट है उसके रिगार्डिंग आप लोगों को क्या करने की, उसकी जो वैल्यूज है वो ले लेने की रहेगी। तो यहाँ पे पॉइंट सपोज कि हम लोग यहाँ पे उसके रिगार्डिंग फिगर बना देते, ये ए पॉइंट है, उसके वर्टाइसिस क्या है, 1.2 है, और यहाँ पे पॉइंट बी ले लेते हैं जिसके वर्टाइसिस 2.3 है। इसको हम नॉर्मली क्या कहेंगे, एक्स वन कहते हैं, इसको वाई वन कहते हैं, इसको एक्स टू कहते हैं, इसको वाई टू कहते हैं, और यहाँ पे पॉइंट पी ले लेते हैं, पप्पू भाई का पी। ये पी पॉइंट है 8/5 एंड वाई जो ए बी लाइन सेगमेंट है वो उसको कौन से रेशियो में डिवाइड करती है वो फाइंड आउट करना है, और दूसरी चीज हमें वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पी 8/5 कोमा वाई डिवाइड लाइन ए बी इन एम वन रेशियो एम टू में डिवाइड करें तो पी के वर्टाइसिस एक्स कोमा वाई का फॉर्मूला क्या होता है कि m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, और जो सेकेंड वर्टाइसिस है वो y के लिए तो क्या होता है m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। ये जो वर्टाइसिस हमें गिवन है उसके रिगार्डिंग हम लोगों को यहाँ पे पहले वैल्यू पुट कर देते हो, तो क्या है हमारे पास 8/5 वाई का वाई, ठीक है, जो पी के वर्टाइसिस, और यहाँ पे एम वन की वैल्यू एम वन रखेंगे, एक्स टू की वैल्यू क्या है, एक्स टू की वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में 2 लिख देते हैं, टू प्लस एम टू, एक्स वन की वैल्यू क्या है 1 डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू, और उसी तरह वाई की वैल्यू को कर दो तो एम वन वाई टू की वैल्यू क्या है 3 है, प्लस एम टू वाई वन की वैल्यू क्या है 2 है डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू। नाउ यहाँ पे अभी ये जो एक्स एक्स कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर दो, कि कंपेयर एक्स एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्स कोऑर्डिनेट है, तो एक्स के वर्टाइसिस हम ठीक एक्स एक्स वर्टाइसिस को हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे क्या है 8/5 इज इक्वल टू एम वन इंटू टू, यानी कि 2m1 प्लस एम टू, एम टू इंटू वन यानी कि एम टू रहेगा, और नीचे क्या है एम वन प्लस एम टू। ना यहाँ पे दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू 5, टू ब्रैकेट में एम वन प्लस एम टू। ना यहाँ पे अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर कर देते इसको, 8m1 बाद में 8 × m2 यानी कि 8m2 इज इक्वल टू 5 to the 10m1 और 5m2। ना यहाँ पे एम वन है उसको लेफ्ट साइड ले लेते हैं, तो 8m1 minus 10m2 m1 इज इक्वल टू 5m2 minus 8m2। ना यहाँ पे दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या मिलेगा, 2m1 इक्वल टू माइनस, यहाँ पे आपको 3 मिलेगा, सॉरी 3m2 m1 upon m2 इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन
-2, ओके। तो ये माइनस माइनस के साइन कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे आपको जो रेशियो मिल रहा है कि M1 रेशियो M2, वो क्या मिल रहा है आपको, 3 रेशियो 2। ये जो रेशियो आपको ये मिल गया, अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है कि y के वर्टेसेस फाइंड आउट करने। तो y के वर्टेसेस यहाँ पे हम सिंपली लिख देते हैं, y के वर्टेसेस क्या हो गए, M1 की प्लेस पर हमें 3 लिखना है, M2 की प्लेस पर 2 लिखना है। तो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे M1 की वैल्यू 3 पुट कर दो कि 3 M1, ठीक है। तो यहाँ पे y के वर्टेसेस में 3 है, के बाद में M2 की जगह पे 2, और उसमें यहाँ पे भी 2 दिया है, नीचे 3 प्लस 2। ना 3 3 9 प्लस 2 2 4, यानी कि 9 प्लस 4 अपॉन 3 प्लस 2 क्या होगा, 5। सो यहाँ पे आपको फाइनली y के वर्टाइसिस आपको क्या मिलेगा कि 9 प्लस 4, यानी कि 13 अपॉन 5, ऐसा आंसर आपको मिलेगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ पे M1 रेशियो यानी कि जो रेशियो फाइंड आउट करने का कहा था वो क्या मिला, 3 रेशियो 2, एंड y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने का कहा था वो क्या मिला, 13 अपॉन 5। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वापस एक बार हम समझ लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट ए बी है उसको पी पॉइंट 8 अपॉन 5 और वाई है वो किस कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, M1 रेशियो M2 में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास जो सेक्शन फॉर्मूला है उसका यूज कर लेंगे कि PXY=M1X2+M2X1/M1+M2, उसी तरह M1Y2+M2Y1/M1+M2। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, पी के वर्टाइसिस के वैल्यू क्या है, 8 अपॉन 5 के फर्स्ट वर्टाइसिस और सेकंड वर्टाइसिस वाई, और यहाँ पे X2X1Y1Y2 की वैल्यू पुट कर दो, बाकी एज इट इज रखो, बाद में XX कम वर्टाइसिस उसको कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ पे 8 अपॉन 5 और यहाँ पे M1 × 2 यानी कि 2M1 लिखा, M1 × 1 यानी कि M2 ही लिखा, M2 × 1 यानी कि M2 ही लिखा है, M1 M2। बाद में इसको ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास दिया था उसको हमने लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 8 ब्रैकेट में M1 M2 और 8 M1 प्लस M2 और 5 यहाँ पे डिवीजन में वो इस साइड आएगा, तो क्या होगा, 2 M1 प्लस M2। ठीक है, नाउ इसको ब्रैकेट को सिंपली इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, बाद में जो M1 वाले वर्टाइसेस है उसको लेफ्ट साइड यानी कि M1 वाले पॉइंट है उसको लेफ्ट साइड ले लेंगे और M2 वाले को राइट साइड कर दे, बाद में M1 अपॉन यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि 2 -2M1 = -3M2। M1 M2 है वो क्या आएगा, इस साइड नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा, M1 अपॉन M2 = -3 अपॉन -2 होगा, यानी कि आपको माइनस माइनस के साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 रेशियो मिल जाएगा। और ए वैल्यू है 3:1, वो M1 की वैल्यू 3 और M2 की वैल्यू 2 है, वो ऐसा इस वर्टाइसिस के अंदर हम पुट कर देंगे, यानी कि वाई के वर्टाइसिस में पुट करेंगे, तो हमें वाई की वैल्यू मिल जाएगी, और वाई की वैल्यू यानी कि M1 की जगह पे 3, M2 की जगह पे 2 पुट करो, सिंप्लीफाई करो, तो 13/5 आंसर मिलता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माई वीडियोज।